फिरोजपुर जिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर को एक बार फिर सीजीएम जोगेंद्र सिंह की अदालत में 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आपको बता दें कि मामन खान इंजीनियर को नूंह हिंसा मामले में बड़कली चौक पर हुई हिंसा के मुकदमे के कारण गुरुवार को राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस विधायक मामन खान को 2 दिन के रिमांड खत्म करने को उन्हें शुक्रवार को अदालत में पेश किया था। वहां 2 दिन में पुलिस ने रिमांड पर लिया। रविवार को उनका रिमांड पूरा हुआ तो तकरीबन 12:20 पर उनको सीजीएम कोर्ट में लाया गया। तकरीबन आधा घंटे की बहस के बाद अदालत ने 2 दिन के पुलिस रिमांड पर विधायक मामन खान को सौंपने का फैसला सुनाया। आपको बता दें कि ये सभी मामले बड़कली चौक पर हुई हिंसा के बाद नगीना थाने में दर्ज किए गए थे। कुल मिलाकर के कांग्रेस विधायक मामन खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस किसी न किसी मुकदमे में उनसे पूछताछ कर उन्हें लंबे समय के लिए जेल भेजने में जुटी हुई है, लेकिन मामन खान इंजीनियर के वकील पूरी तैयारी से कोर्ट में बहस करने के लिए पहुंच रहे हैं। मामन खान की आज पेशी थी, क्या दोबारा रिमांड पर लिया गया? कितने दिन के रिमांड पर लिया गया? मामन खान को 15 तारीख को जिस मुकदमे में पेश किया FIR नंबर 149/23 थाना नगीना में, उसमें रिमांड कंप्लीट हो गया। उसमें जुडिशल रिमांड से किया, 14 दिन के लिए कोर्ट ने भेज दिया। 3 नए मुकदमात में और पेश किया, FIR नंबर 137/23, 148/23, 150/23, 3 मुकदमे। इनमें से 137 में फिर रिमांड मांगा पुलिस ने 5 दिन का, ऑनरेबल कोर्ट ने 2 दिन का रिमांड दिया है। और सेम केस, कोई नाम नहीं है, कंप्लेनेंट नगीना गांव का रहने वाला है। मामन खान जो एक्यूज है, जिसकी मैं पैरवी कर रहा हूँ, मेरे और पुलिस भी पैरवी कर रहे हैं, तहर रुपड़िया वगैरह, तो उनका कहीं कोई नाम नहीं है, डायरेक्ट इन्वॉल्वेशन नहीं है। क्या रिकवर करना है, आर्गू हुई एट लेंथ, सिर्फ वही मोबाइल, वही लैपटॉप, वही सीसीटीवी। वकील साहब, 149 में 2 दिन का रिमांड मांगा था, उसमें क्या पुलिस ने अब तक कुछ भी रिकवर, कुछ वही मोबाइल था, वो 2 दिन के रिमांड के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आया? चारों के चारों नाजायज केस हमारे विधायक पे मनाए गए हैं। उसकी कोई लोकेशन 31 तारीख के गुड़गांव की आती है, उससे पहले की 27 तारीख का ये कहते हैं कि उसने प्लानिंग करी, वो बींजोपुर गांव में मिट्टी देके वापस गुड़गांव अपने घर चला गया था। उसका किसी मुकदमे से कोई लेना देना नहीं है, उसे नाजायज परेशान करा जा रहा है और अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये सारी कार्रवाई करी जा रही है। सरकार अपनी नाकामी, ये झूठी कार्रवाई करके अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रही है। कितने मुकदमे पुलिस ने? परसों 149/2023 पुलिस स्टेशन नगीना में इसको पेश किया था। 7 दिन का रिमांड मांगा था, 2 दिन का अलाउ किया था, आज फिर इनको पेश किया है। 3 और नए मुकदमे ला दे गए हैं विधायक जी के पास उनके ऊपर, जिसमें 137 FIR और 148 और 150 सेक्शन। जहाँ तक मैं सेक्शन की बात करूँ, सेक्शन सब में एक जैसे सेक्शन हैं, कम किसी में 1-2 धारा ज़्यादा है, किसी में 1-2 धारा कम है, क्योंकि प्लेस ऑफ ऑकरेंस और टाइम ऑफ ऑकरेंस वो सारा एक जगह है। इसलिए 4 केसेज में पेश किया है आज, 3 केसेज में जेल भेज दिया है, 1 केस में 2 दिन के पुलिस रिमांड दे दिया FIR नंबर 137 में। 2 दिन में देखिए, 2 दिन में कोई एविडेंस पुलिस, क्योंकि एविडेंस थी नहीं कोई, इसलिए एविडेंस कुछ मटेरियल या कोई रिकवरी होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं था। ये तो एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड एक केस है और सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इसको ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, और एविडेंस पहले भी कुछ नहीं थी, आज भी कुछ नहीं है, 2 दिन बाद भी कुछ नहीं निकलना। तो सर अब आज दोनों तरफ से दलीलें दी अपनी अपनी, और दलीलें सुन करके जज साहब ने 2 दिन का अलाव किया है और 5 दिन का टोटल इन्होंने रिमांड मांगा था, और हमने एप्लीकेशंस लगाई हैं कि हमें अलाउ किया जाए कि ड्यूरिंग जो है इसका रिमांड 2 एडवोकेट्स को, उस पर कोर्ट ने अभी अपना फैसला रिजर्व रख लिया है, उस एप्लीकेशन पर क्या ऑर्डर पास कर दिया सर जहाँ तक? हाँ, मेडिकल ठीक है, उसका मेडिकल फिर आज ऑर्डर कर दिया जज साहब ने कि इसका ले जाने से पहले इसका पहले मेडिकल करवाएंगे। वो तो लॉ है कि किसी का भी आप पेश करेंगे किसी भी एक्यूज को, तो वो आप मेडिकल करा के करेंगे, और अगर पुलिस कस्टडी में एक्यूज को हैंडओवर करते हैं तो तब भी मेडिकल कराना पड़ता है। क्या कार्रवाई अब की गई है और किस तरह, कितनी देर अब बहस चली थी, क्या कहना चाहिए? आज जिस मुकदमे में पहले गिरफ्तार करके विधायक जी को पेश किया था, जो FIR नंबर 149 है, आज उसका पुलिस रिमांड कंप्लीट हुआ,
तो दूसरा एक मुकदमा है एफ आई आर नंबर 137, उसमें पुलिस ने रिमांड सीख किया है 5 दिन का, जिसमें से 2 दिन का पुलिस रिमांड दिया है। और पुलिस ने ये कहते हुए कि सीसीटीवी फुटेज, जबकि 2 दिन सफिशेंट टाइम था पुलिस के पास सारा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन इस ग्राउंड पे पुलिस रिमांड सीख किया 5 दिन का, जिसमें 3 दिन का डिक्लाइन किया, 2 दिन का पुलिस रिमांड दिया है। और पुलिस ने ये इजाज़त मांगी है कि सीसीटीवी फुटेज है जो इनके संपर्क में आया, वो लोग इनकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है, उस ग्राउंड पे पुलिस रिमांड मांगा है, जो अदालत ने 2 दिन का पुलिस रिमांड दिया है एफआईआर नंबर 137 में। इसके अलावा और मुकदमे भी बताए गए हैं जिनमें जुडिशियल कस्टडी के ऑर्डर कर दिए हैं, उसमें कोई पुलिस रिमांड नहीं है। हालांकि इन सारे मुकदमे में 149 हो चाहे 137 हो, विधायक जी का इससे इन मुकदमों में कोई इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, कोई इनकी मौजूदगी नहीं है। जो ये एफआईआर है 137, जो एक प्राइवेट कंप्लेंट ने दर्ज कराई है, कहीं भी उन्होंने जिक्र नहीं किया। नगीना का रहने वाला है और सारे, क्योंकि एमएलए है, वेल नोन है, सारे लोग जान रहे हैं, तो इस तरह इस मुकदमे में किसी तरह की कोई भी एविडेंस उनके खिलाफ नहीं है। जिसमें पुलिस ये मुकदमे 4 मुकदमों में इन्वॉल्व किया है, जिसमें से 149 में पहले पेश किया था, बाकी 3 मुकदमों में आज पेश किया, जिसमें से एक मुकदमे में एफआईआर नंबर 137 में पुलिस रिमांड सीख किया है। कोई भी सबूत नहीं, जिसके बेसिस पे कि सीसीटीवी फुटेज देखने, कॉल लोकेशन देखनी है, कोई भी ऐसा सबूत, कोई कनेक्टिंग एविडेंस विधायक जी के खिलाफ उस मुकदमे में 149 में आज तक, अभी तक 2 दिन के पुलिस रिमांड में कोई सबूत पेश नहीं किए। सर, जहाँ तक नोमिसा की बात हो रही थी, लोकेशन की बात हुई थी।